कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। और ये आप देख सकते हैं, मैंने ये सरसों का साग कट करके रख लिया है। इसे सबसे पहले मैंने इसको धोया है, धोकर साफ करके यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम इसको बॉईल करेंगे, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कुकर में सीटी आ चुकी है और तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। ये मसाले, इसमें ये कटा हुआ लहसुन, लाल मिर्च, सरसों के थोड़े से दाने और ये मेथी दाना। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए हमने गैस कुकर लिया है और कढ़ाई में पहले से ही थोड़ा सा ऑयल है, जो कि मैंने कुछ बनाया हुआ था तो उसमें पहले से है। और तेल थोड़ा कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, क्योंकि साग थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये हमारा ऑयल पड़ चुका है। अब हम डालेंगे इसमें मसाले जब तक गर्म हो रहा है। तेल हो चुका है हमारा गर्म, अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना, सरसों के दाने, जैसे ये चटकने लगते हैं उसके बाद हम डालेंगे लहसुन कटी हुई कलियां और लाल मिर्च। गैस को कर देंगे हम स्लो, क्योंकि इससे मसाले जलेंगे। और अब हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। गैस को थोड़ा हमने हाई कर लिया और हम डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। जब मसाले डालेंगे तो गैस को फिर से मीडियम कर लेंगे स्लो, और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए डालेंगे, इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। मसाला थोड़ा भूनेंगे। अब ये हमारे बॉईल की हुई सरसों, जो हमने पहले से बॉईल करके रख ली थी, अब इसको हम इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे नमक, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। फिर मान लीजिए किसी के भी साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़े तो खाते हैं इसको बहुत ही प्यार से। सर्दियों के मौसम में सरसों का साग बनाएं। और जो भी इसमें चीज़ें डाली हुई हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सरसों का साग तैयार है खाने के लिए, एकदम रेडी है। और आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाय बाय।